दोस्तों, यदि आप MS धोनी से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि विराट कोहली का भुवनेश्वर कुमार को बाहर निकालने का फैसला सही है या गलत। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका पहले टेस्ट में हार के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव होना तय था। दूसरे टेस्ट मैच के लिए कप्तान विराट कोहली ने प्लेइंग 11 में एक नहीं तीन बड़े बदलाव किए। सेंचुरियन टेस्ट के लिए रिद्धिमान साहा की जगह पार्थिव पटेल और शिखर धवन की जगह केएल राहुल टीम में आए हैं। लेकिन जिस बदलाव ने MS धोनी को अचंभे में डाल दिया वो है भुवनेश्वर कुमार की जगह ईशांत शर्मा का चयन। दूसरे टेस्ट मैच के टॉस होने के बाद धोनी ने एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए विराट कोहली पर काफी गुस्सा दिखाया। धोनी ने कहा, भुवनेश्वर ने पहले टेस्ट मैच में गजब की गेंदबाजी की थी और बल्ले से भी वो सफल रहे थे। धोनी ने कहा कि यदि भुवनेश्वर कुमार और हार्दिक पांड्या पहले मैच में रन नहीं बनाते तो शायद भारत 100 रन पर ही ऑल आउट हो जाता। ऐसे में उन्हें टीम से बाहर करने पर धोनी को काफी धक्का लगा है। टॉस के समय विराट का कहना है कि ईशांत को भुवी की जगह टीम में इसलिए शामिल किया गया है ताकि वो सेंचुरियन की पिच पर मिलने वाले अतिरिक्त उछाल का फायदा उठा सके। हालांकि धोनी कप्तान न कि इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं है। धोनी ने तो विराट कोहली की कप्तानी पर भी सवाल उठाए। धोनी ने कहा कि विराट कोहली अच्छे से कप्तानी नहीं कर पा रहा है और कहा कि यदि कोहली इस प्रकार के गलत फैसले लेगा तो कोहली को कप्तानी से हटाना पड़ेगा। वहीं एक बार फिर अजिंक्य रहाणे को अनदेखा करने पर भी धोनी और फैंस कोहली से नाराज हैं।